तो सुचित्रा मिश्रा के परिजनों के साथ बीजेपी कार्यालय में हुई मारपीट की निंदा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है कांग्रेस भवन में। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। काफी हंगामे के बीच आखिरकार शशि भूषण मेहता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। शशि भूषण पर शिक्षिका सुचित्रा मिश्रा की हत्या का आरोप है। बीजेपी ऑफिस में उनकी ज्वाइनिंग के दौरान सुचित्रा के परिजनों से बदसुलूकी और मारपीट की गई। जब यह सब कुछ हो रहा था उस दौरान मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ मौजूद थे। उन्होंने न्यूज 11 से खास बातचीत में कहा, शशि भूषण मेहता का भविष्य अदालत तय करेगी। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजेश ने। हुई है भाजपा में, अब ये स्थिति आ गई है पार्टी की, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। क्या जो विवाद हुआ आपको ठीक लगा? नहीं, देखिए मैं एक लाइन से बोल सकता हूँ। आज शशि भूषण मेहता जी का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलन समारोह में, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए आए थे। बहन जी को कार्यक्रम स्थल पर नहीं आना चाहिए था। कल उनका जो आवेदन था मुझे प्राप्त हो चुका था, मैंने उसको देखा भी और हमने कहा भी इस पर विचार जरूर होगा, लेकिन कार्यक्रम स्थल उसको उसको इनवाइट नहीं था, उसको बुलाया नहीं गया था, नहीं आना चाहिए था। बहन जी को मैं हाथ जोड़ के बोला भी कि नहीं आना चाहिए, उसी के कारण से मंच में थोड़ा सा बेकाबू हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ। विवाद जो है तो आप फुल प्रूफ करके लेते हैं, किसी को भी किसी का बैकग्राउंड चेक करके लेते हैं। क्या आपको लगा कि ये ठीक है जो आरोप है? ठीक है, अभी कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है, लेकिन आरोप भी तो काफ़ी होता है क्या? नहीं ठीक है, लेकिन उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। हम लोग ने थोड़ा रुक रुक करके थोड़ा जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन पार्टी में ज्वाइन कराया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस उद्देश्य से हम लोग ने डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसीलिए मुझे लगता है कोई आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक तो दोषीदार नहीं है, इसीलिए कहीं भी कोई भी राजनीतिक दल में कोई भी ज्वाइन कर सकता। मैं समझता हूं झारखंड चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, इस समय आने का मतलब होता है कि टिकट चाहिए और वो जेएमएम से प्रत्याशी भी थे, टिकट का एश्योरेंस आपने दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी हम लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हैं तो बिना शर्त होता है। पार्टी किसको टिकट देगी या तो केंद्रीय चुनाव समिति दिल्ली तय करती है, इसीलिए जहां तक टिकट की बात है ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में टिकट की बात नहीं होती, सब बिना शर्त ही पार्टी ज्वाइन करता है। एक अंदर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, पार्टी के आला नेता इस पर विचार करेंगे और उसके बाद जब चुनाव की घोषणा होगी, जब टिकट बंटवारे का समय आएगा तो तमाम विषयों पर चर्चा होगी। कैमरामैन हेमंत के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 रांची। मारपीट